नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 31 मई को 4 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। अपने इस यात्रा के दौरान वह 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान भारत और नेपाल के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिसमें ऊर्जा, एमएलटी जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन उद्घाटन करने जा रहे हैं। नई संसद पर सियासत पहले से ही तेज है। अब विपक्ष ने सेंगोल पर भी एतराज जताना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सेंगोल यानी राजदंड को पावर ट्रांसफर या सत्ता हस्तांतरण के सिंबल के तौर पर लगाया जाएगा। इस पर भी राजनीति तेज हो गई है। 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से वापस लिए जा रहे सब सारे नोट इकट्ठे होकर आरबीआई के पास पहुंचेंगे, तो इन्हें करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम यानी सीवीपीएस में डाला जाएगा। एक सीवीपीएस मशीन 1 घंटे में 50 से 60 हजार नोटों को प्रोसेस कर सकती है। ये मशीनें नोटों को गिनती करती है ये चेक करती है कि वो जेन्यून है या नहीं। इसके बाद वो नोटों को फिट और अनफिट कैटेगरी में बांट देती है। अनफिट नोटों को पेपर श्रेडर में डालकर उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। वही फिट नोटों के इस तरीके से काट जाता है कि वो नए करेंसी नोट बनाने में रिसाइकल किए जा सके। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इस महीने के शुरुआत में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने भारत आए थे। उनका यह दौरा भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में खूब चर्चा में रहा था, लेकिन अब बिलावल ने अपने भारत दौरे को लेकर कहा है कि उनका यह दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत सकारात्मक और सफल रहा है। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस दलील को खारिज कर देना चाहिए कि पशु बलि किसी के धार्मिक विश्वास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, भले ही इससे दूसरों को परेशानी ही क्यों ना हो रही हो। बता दें कि एक निजी आवास पर धार्मिक कर्मकांड की आड़ में पक्षियों और जानवरों के अवैध वध को रोकने में अधिकारियों की निष्क्रियता के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये बात कही है। यूपीएससी की परीक्षा में 44वें रैंक को लेकर चल रहे विवाद को लेकर आखिरकार यूपीएससी ने अब साफ कर दिया। यूपीएससी की जांच में साफ हो गया है कि रेवाड़ी के तुषार कुमार ने ही फर्जीवाड़ा किया था। रेवाड़ी का तुषार कुमार प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं कर पाया था। यूपीएससी ने माना है कि बिहार के भागलपुर निवासी तुषार कुमार ने ही परीक्षा उत्तीर्ण की है और उनकी ही 44वीं रैंक है। बिहार के किसान अब पारंपरिक खेती के बजाय बागवानी में रुचि ले रहे हैं। इसका जमीन पर असर भी दिखने लगा है। मशरूम, लीची, मखाना और भिंडी के प्रोडक्शन में बिहार देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। खास बात यह है कि बिहार सरकार की कोशिश और योजनाओं के माध्यम से ही यह सब संभव हो पाया है। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को बंपर सब्सिडी दी जा रही है। यही वजह है कि बिहार में बागवानी सेक्टर में क्रांति सी आ गई है। यहाँ पर किसान अब विदेशी फसलों की भी खेती कर रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग ने क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन को ट्रोल करने वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर FIR दर्ज करने की मांग की और पुलिस को 26 मई तक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के बाद बिहार ने सीएम नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली है। शनिवार को नीतीश कुमार ने केंद्र को भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले कांग्रेस की एक शक्तिशाली समिति ने नाटो प्लस जो कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है में भारत को शामिल करने की सिफारिश की है। नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था है जो नाटो और 5 गठबंधन राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल और दक्षिण कोरिया को वैश्विक रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए साथ लाती है। पड़ोसी देश चीन हर दिन भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचता रहता है। अरुणाचल प्रदेश पर तो दशकों से उसकी नजर है ही, अब वह उत्तराखंड पर भी अपनी नजर गराए बैठा है। सूत्रों ने बताया है कि चीन उत्तराखंड सीमा से सटे अपने इलाकों में गांव बसा रहा है। ये गांव डिफेंस विलेज के नाम से जाने जाएंगे, जिनकी निगरानी चीन सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी करेगी। हाल के दिनों में 2 रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें प्रेस फ्रीडम मामले में भारत को अफगानिस्तान और पाकिस्तान से नीचे दिखाया गया था। इस पर भारत का कहना है कि वैश्विक तौर पर जो रिपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं उसमें आंकड़ों का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व PM पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर कई माध्यमों से अपने ग्राहकों को उनके काम की जानकारी देता रहता है। ट्विटर के जरिए SBI बैंक के ग्राहकों को फ्रॉड से बचने समेत कई बैंकिंग सुविधाओं को कैसे लेना है इसकी भी जानकारी मिलती रहती है। आज भी SBI ने अपने एक ट्वीट के जरिए बैंक कस्टमर्स को ये जानकारी दी कि अगर उन्हें अपने खोई या चोरी हुए ATM या डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना है तो वे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कस्टमर्स को केवल एक कॉल करना है और कुछ नंबर एंटर करने के बाद उनका खोया या चोरी हुआ ATM या डेबिट कार्ड तुरंत ब्लॉक हो जाएगा।
28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले उन्होंने लोगों से हैशटैग माई पार्लियामेंट माई प्राइड लिखकर वीडियो शेयर करे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। यह वीडियो प्रतिष्ठित इमारत की झलक पेश करता है। मेरा एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने स्वयं के वॉइस ओवर के साथ शेयर करें जो आपके विचारों को व्यक्त करता है। मैं उनमें से कुछ को रीट्वीट करूंगा। देश के तेजी से विकास के लिए दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस बैठक में विकसित भारत पर चर्चा हो रही है। हालांकि बैठक में राजनीति की भेंट चढ़ गई है, जहां 6 राज्यों के सीएम ने आने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में लुक ईस्ट की पॉलिसी अब एक्ट ईस्ट में हो गई है। इस पॉलिसी के तहत ही पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाल की गई है और वहां काफी तरक्की हुई है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो रहा है। विपक्ष ने कार्यक्रम के बहिष्कार की बात कही। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बहुत गलत है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने प्रवासी भारतीयों को राहुल गांधी से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेरिका आने का कार्यक्रम है। इसे देखते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने विशेष बातचीत करने के लिए भारतीय अमेरिकी नागरिकों को आमंत्रित किया है। हर जगह मिलने वाले ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिस गति से विलुप्ति की राह पर चल पड़ा है, उसे देखते हुए वानिकी वैज्ञानिक चिंता में आ चुके हैं। संरक्षण और संवर्धन मांग रही यह प्रजाति वन संपदा की सूची से बाहर है। अमेरिका में दिवाली को संघीय अवकाश बनाने के लिए प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेट सदस्य ग्रेस मेंग ने एक विधेयक पेश किया। मेंग ने कहा है कि माई दिवाली डे एक्ट इस दिन के महत्व पर सभी अमेरिकियों को शिक्षित करने और अमेरिकी विविधता के पूरे चेहरे का जश्न मनाने की दिशा में कदम है। उन्होंने कहा है कि दिवाली दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए साल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। विनेश फोगाट ने कहा कि यदि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेते हैं, तो इससे देश में वर्तमान स्थिति को लेकर अस्पष्ट संदेश जाने वाला है। विनेश फोगाट और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया तथा साक्षी मलिक समेत देश के पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरने में बैठे हुए हैं। उन्होंने बृजभूषण पर एक नाबालिग सहित 7 महिला खिलाड़ियों की यौन उत्पीड़न का गंभीर इल्जाम लगाया और वे WFI अध्यक्ष की गिरफ्तारी की अपील कर रहे हैं। जून का महीना शुरू होने में सिर्फ 4 दिन शेष बचे और जून महीने की आखिरी तारीख यानी 30 जून तक आपको कई जरूरी काम निपटाने होंगे, क्योंकि पैन कार्ड से डिजी लॉकर तक कई ऐसे काम है जिनकी डेडलाइन 30 जून के बाद खत्म हो जाएगी। इन सभी कामों को आपको 30 जून से पहले निपटा लेने चाहिए ताकि आपको बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और 30 जून के बाद लगने वाली पेनल्टी से बच सके। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हिंदी तो बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती, ऐसे में जाहिर है कि उनके लिए हिंदी बोलना काफी कठिन है। पर सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल इस वीडियो में अमेरिका शख्स फर्राटेदार हिंदी बोलता नजर आ रहा है और वो बिहारी टोन वाली हिंदी। वीडियो में शख्स मजाकिया अंदाज में कहता है कि इंडिया में 2 समोसा का 20 रुपया लगेगा, अमेरिका में 2 समोसे का 500 रुपया लगता है, चलो भाई वापस बिहार चलते हैं। किसी विदेशी शख्स के मुंह से इतनी अच्छी हिंदी सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष पीटर डटन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी नेता दुनिया के दूसरे कोने में 20,000 लोगों की भीड़ नहीं जुटा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो भीड़ मोदी मोदी जैसे उनके उपनाम के नारे भी नहीं लगा सकती है। हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हुनर की मिसाल पेश कर रही है। 5 स्टूडेंट्स ने मिलकर सड़क किनारे पड़ी 10 साल पुरानी ऑल्टो को सोलर पावर से चलने वाली कार में तब्दील कर दिया है। उन्हें यह कार तब मिली जब यह चलने के लायक भी नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, यह कार अब पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि सोलर पावर से चलती है। यह सोलर पावर से अपने आप चार्ज हो जाती है। बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद अब संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे लोग भी चख सकेंगे। पहली बार बिहार के करीब 3,000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब के सरजा में ये लीची शाही लीची भेजी जाएगी। इसकी पहल देश और दुनिया के सबसे बड़ी मॉल कंपनी लुलू कर रही है। लुलू मॉल के प्रतिनिधियों ने बिहार लीची उत्पादक संघ से संपर्क किया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि खाड़ी देशों के शहरों के मॉल में मुजफ्फरपुर की शाही लीची लोग खरीद सकेंगे। दिल्ली NCR में शनिवार सुबह तेज हवा के साथ ही मूसलाधार बारिश के मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में अगले 2 घंटे मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। वही खराब मौसम के कारण जो विजिबिलिटी की वजह से विमानों के परिचालन पर भी असर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के सुदूरवर्ती गांवों से नाबालिग लड़कियों की तस्करी का बिहार के गांवों के आर्केस्ट्रा में डांसर बनकर नाच कराने के मामले का भंडाफोड़ हुआ है। बंगाल पुलिस ने बिहार के विक्टोरिया बाजार इलाके में छापेमारी कर दक्षिण 24 परगना जिले के 2 नाबालिगों को बचाया और उन्हें उनके परिवार के हवाले कर दिया है। बंगाल से बिहार में हो रही महिलाओं की तस्करी के मामले को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। इंडो नेपाल रेल प्रोजेक्ट के तहत अररिया के बथनाहा से नेपाल सीमा क्षेत्र में
नेपाल कस्टम यार्ड तक 1 जून से मालवाहक ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून को वर्चुअल माध्यम से रेल लिंक का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से धरने पर बैठे पहलवानों को योग गुरु बाबा रामदेव ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जरूर जेल में डालना चाहिए। रामदेव ने रेसलिंग फेडरेशन चीफ के ऊपर यौन शोषण के आरोपों को शर्मनाक बताया। योग गुरु ने कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आए दिन बहन और बेटियों के बारे में फालतू बातें करते हैं, यह अत्यंत निंदनीय है, ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजना चाहिए। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन लोगों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, अभिमन्यु कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, भगवान मिश्रा। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बंगाल से बिहार लाकर नाबालिग लड़कियों की तस्करी का मामला सामने आया, इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।